कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन कार्रवाई में सेना के भी दो जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक जवान जख्मी भी है। सेना ने आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर मिला है। जवान इस इलाके में घुसपैठ की जानकारी मिली थी। इसके बाद जवान यहां तलाशी अभियान चला रहे थे, उस वक्त ही मुठभेड़ हुई। इससे पहले मंगलवार को नौगाम सेक्टर में चार आतंकियों को मार गिराया था और एक को जिंदा पकड़ लिया था। सेना ने बताया था कि सभी आतंकी विदेशी है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरक सिंह रावत पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। 32 साल की एक महिला ने दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि रावत ने उसके साथ रेप किया। वे लंबे समय से उसका शोषण कर रहे थे। हरक सिंह रावत पर साल 2014 में ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच कर रही है कि शिकायतकर्ता महिला वही है या कोई और। महिला का आरोप है कि उस पर पुलिस के पास न जाने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला असम की रहने वाली बताई जा रही है। रावत उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार में मंत्री थे। पिछले दिनों वे बगावत कर बीजेपी में चले गए थे। गोरक्षा के नाम पर दलितों और महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं से घिरी केंद्र सरकार पर उनके अपने मंत्री रामदास अठावले ने भी गुस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के साथ ही मानवों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर मानवों की हत्या करना मुझे ठीक नहीं लगता। महाराष्ट्र से आने वाले दलित नेता अठावले ने कहा कि सरकार दलितों की रक्षा की गारंटी दे। हालांकि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले गाय को मां मानते हैं। अगर गाय को मारा जाएगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इसके बावजूद गोरक्षा के साथ ही मानव रक्षा सुनिश्चित करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी से राज्य में शराबबंदी के असर का अध्ययन कराने का आग्रह किया, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक ने स्वीकार कर लिया। नीतीश ने बिहार विधान परिषद की ओर से सत्यार्थी को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में ये आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि शराबबंदी से माहौल पूरी तरह बदल गया है। शराबबंदी के बाद शराब छोड़ने वाले लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, परंतु हमें इस पर एक तटस्थ संगठन की ओर से एक विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है। सत्यार्थी ने कहा कि शराबबंदी छोटा कदम नहीं है, बल्कि एक साहसिक कदम है। इसे बाल उत्पीड़न और मजदूरी पर अंकुश लगाने में जरूर मदद मिलेगी। मैं अध्ययन कराने के सुझाव को स्वीकार करता हूँ। बिहार में गंडक नदी में उफान से साहिबगंज के दियारा इलाके के 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। बीती रात अचानक जलस्तर में तेज से वृद्धि हुई। इसे 8 पंचायतों के करीब 25,000 आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों का सुरक्षित स्थान पर पलायन जारी है। दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की ओर से राहत कैंप खोले जाने की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि राहत के नाम पर भी तक कुछ भी नहीं मिला है। लोगों ने बांध पर शरण ले रखा है। राशन व पशु चारा की संकट उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के लिए राहत कैंप खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन कैंप में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। असम इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। राज्य के 22 जिलों के 3,374 गांव के करीब 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों लोगों ने राहत शिविर में शरण ली हुई है। इस बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया। राजनाथ मुख्य रूप से नौगांव, मोरीगांव और काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी जायजा लिया। उनके साथ राज्य के CM सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। केवल लोगों को ही नहीं, जानवरों को भी बाढ़ में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक काजीरंगा पार्क में बने 130 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ में अब तक 60 गैंडों समेत 25 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने भारत में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर चिंता जताते हुए भारत सरकार से कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करें।
भारत में गोमांस का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाएं और मध्य प्रदेश में भैंस का मांस ले जा रही दो मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की घटना से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, सभी तरह की असहिष्णुता से मुकाबला करने और धार्मिक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश में हम भारत सरकार और नागरिकों के साथ हैं। यूपी में गरमाते चुनावी माहौल और दलित वोटों की खींचतान के बीच केंद्र सरकार के राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मायावती पर निशाना साधा है। अठावले ने जोरदार हमला करते हुए बोला है कि मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती ने अभी तक बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि मायावती हिंदू है यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलितों के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी दलित विरोधी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाया जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को ये आदेश जारी किए। इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोस्तन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे। इसी सिलसिले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार को भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मायावती को गाली देने के आरोपी बीजेपी के बर्खास्त उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। दयाशंकर को कल रात मऊ कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया। दयाशंकर सिंह ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री से बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तारी के बाद दयाशंकर ने खुले तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि उनकी परिवार के हर सदस्य के साथ अन्याय किया गया है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, ऐसे में सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। गौरतलब है कि दयाशंकर की पत्नी की ओर से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। देश के 10 राज्यों में बारिश ने कहर मचा रखा है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, असम सहित 10 राज्य इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी, पश्चिम उत्तरी राज्यों सहित राजधानी दिल्ली और NCR के कुछ क्षेत्रों सहित हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश लगातार जारी रहेगी। सुबह होते ही फिर दिल्ली में जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर दी करीब आधा दर्जन इलाकों की जानकारी। बारिश की वजह से दिल्ली NCR में सड़कों पर भयंकर जाम लग रहा है। वही अहमदाबाद बाढ़ से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में लोगों के लिए रोप वे का सहारा है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में राहत बचाव अभियान शुरू हो गया है। असम सहित पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी बदहाली का आलम है। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज पर एशिया के बाहर सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज में एक से ज्यादा मैच जीत अपना रिकॉर्ड बेहतर करने पर लगी है। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को ओपनर मुरली विजय के दूसरे टेस्ट से भी बाहर होने के बाद बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक सलामी बल्लेबाज मुरली विजय अंगूठे की चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। विजय को श्रृंखला के पहले ही दिन सुबह चेनोन गैब्रियल की गेंद अंगूठे में लगी थी। वे वेस्टइंडीज की दोनों पारियों में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। दूसरे टेस्ट की टीम में दूसरे सलामी बल्लेबाज KL राहुल को मौका दिया गया है। राहुल ने टेस्ट श्रृंखला से पहले दोनों अभ्यास मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी। We'll be right back.